जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 10 से 18 फरवरी 2021 तक जबलपुर नाका दमोह मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108, विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री 108, विपुल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108, अभिनंदन सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आचार्य श्री 108, निर्भय सागर जी महाराज ससंग एवं आरिका श्री 105, सकलमती माताजी ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद् जिनेंद्र पंचमेरु जिनबिंब प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव की महापावन झलकियां। आज के इस एपिसोड में हम आपको मोक्ष कल्याणक के दृश्यों से रूबरू कराएंगे, जो 18 फरवरी 2021 को संपन्न हुए। मोक्ष कल्याणक मनाने हेतु श्री जी को कार्यक्रम स्थल पर विराजमान किया गया। तभी एक दृश्य में दिखाया जाता है कि भगवान योग निरोध कर ध्यान में लीन है। कुछ ही क्षण बीतने पर उनके गुणस्थान में क्रमशः वृद्धि हुई और वो मोक्ष मंदिर में जा विराजे। इसी बीच पूज्य गुरुदेव का अपने संघ सहित कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ। उस शरीर को जानने वाला मैं हूँ, मैं तो पृथक चैतन्य पिंड हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ। मैं देख रहा हूँ ये कैलाश पर्वत पर भगवान विराजमान है। पूज्य गुरुदेव ने सभा को अपना मंगल उद्बोधन भी दिया। इस शरीर को जानने वाला मैं हूँ, ये शरीर नष्ट हो रहा है और तृष्णाली के ऊपर मेरे आत्म प्रदेश उठ रहे हैं। पर्वत की ओर देखते हैं, आकाश तारे की ओर देखते हैं, चांद की ओर देखते हैं, ऐसे ऊपर की ओर मेरे आत्म प्रदेश जा रहे हैं और मैं जाकर के वो चंद्राकार जो सिद्ध शिला लोक पर बनी होती है उस पर जाकर के मैं विराजमान हूँ भगवान। बस ये मोक्ष कल्याणक मेरा मनाना सार्थक हो भगवान। आप जैसे जाकर के अनंत काल के लिए विराजमान हो गए हैं, वैसे मैं भी वहाँ जाकर के विराजमान हो जाऊँ, इस शरीरातीत उस आत्म तत्व को प्राप्त करूँ। मुझे आपसे और इस पंच कल्याणक के फल में और कुछ नहीं चाहिए। ओ जिस तरह तीर्थंकर प्रभु को मोक्ष हो जाने के बाद स्वर्ग से देवगण आकर निर्वाण भूमि की पूजा करते हैं और उनके नख केश आदि का अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किया गया। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ तुम चले गए, ये तो लगे मुझे परदे, वो ही है मेरा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तत्पश्चात निर्मल जल की अनुपम धारा से श्री जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। क्रम में भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। इस क्रम में विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से नव प्रतिष्ठित जिनबिंबों को मंदिर जी ले जाया गया।
विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर गजरथ यात्रा मंदिर जी पहुंचती है, जहां नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को नवनिर्मित वेदियों पर विराजमान किया जाता है। कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुदेव भक्तों को अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी सत्संग नवीन पंचमी रूप की स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। सगल दिगंबर जैन समाज यह श्रीमती पंचिका का महोत्सव करने के बाद पंचमी रूप की जो पट्टबंध है इस पट्टबंध का मुकुट धारण करने के लिए तैयार है। ओम अर्थ भगवते महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणे मधुशर दिमाने महोत्सव करने की। क्षेत्र कमेटी के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगल अभिनंदन किया जाता है। मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में ओ मेरी कुटिया में आन पधारो स्वीकारो नमन स्वीकारो मेरी कुटिया में ओ मेरी कुटिया में आन पधारो स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। Shut up.
कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठी गण अपने मंगल विचार प्रकट करते हैं। आज से एक महीने पहले करीब हम लोग आचार्य निर्भय सागर जी के यहाँ पर श्री पर रखने गए थे, तो उनसे आग्रह किया दमोह जबलपुर नागा मंदिर आने का। तो मंदिर में आचार्य श्री के पदार्पण हुआ तो उनने कहा यहाँ पर कोई विधान वगैरह करो तुम लोग। तो हम लोगों का विचार आ कि पंच कल्याण आज तक नहीं हुआ यहाँ पर 20 साल से, तो पंच कल्याण किया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पंच कल्याण में परम पूज्य आचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में परम पूज्य आचार्य अभिनंदन जी, अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी महामुनिराज के शिष्य, परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महामुनिराज की परम सन्निधि हम सबको प्राप्त हो रही है। मैं आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में दीक्षित आचार्य निर्भय सागर जी महाराज श्री का परम सानिध्य मिला, जिसमें हमारे आचार्य जगतगुरु आचार्य संत श्रोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज का परम आशीर्वाद रहा। उनकी ही विशेष अनुकंपा से हम आज यहाँ इतनी बड़ी धर्म प्रभावना कर पा रहे हैं। हमें सौभाग्य मिला कि आज आचार्य निर्भय सागर जी के सानिध्य में हमारे द्वितीय तल पर जो पंचमेरु की स्थापना हो रही है, और हमारे आशीष भैया दोनों भाइयों के सहयोग से हमें इतना सहयोग मिला, इतना मार्गदर्शन मिला कि हम उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे शहर दमोह जिले में जबलपुर नाका मंदिर कमेटी, जैन मंदिर कमेटी के द्वारा जो यह श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, इस तरह इस पंच कल्याणक का सफर सम्पन्न हुआ। महोत्सव में सम्मिलित हुए भक्तों ने जो पुण्यार्जन किया वह वास्तव में अद्वितीय रहा। तो दर्शकों, अब समय हो चला है इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को यही विराम देने का। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और पंच कल्याणक महामहोत्सव की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।